फूंकता है भारत में, फूंकता है भारत, फूंकती है माया नगरी, ये आप और हम सब जान चुके हैं। लेकिन अगर इस पे कोई सवाल खड़े करता है तो उसे थाली में छेद करने वाला कहा जाता है। बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार मान गई हमारे शो में आने के लिए बेहया बच्चन। तो बेहया बच्चन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपने रवि किशन को थाली में छेद करने वाला क्यों कहा, किस बिना पे कहा? क्योंकि रवि जिस बॉलीवुड ने उन्हें काम दिया उसी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। थाली में छेद करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको एक बार शर्म नहीं आई? आपने भी तो थाली में छेद किया था। अमर सिंह, जिसने आपके और आपके परिवार की इतनी मदद की बुरे वक्त में, आपने क्या किया? आपने भी बुरे वक्त में आखिरकार थाली में छेद कर ही दिया ना। मेरे कहने का मतलब, आपके कहने का जो भी मतलब हो हम सब जानते हैं, पूरा देश जान चुका है कि आप लोग बॉलीवुड में एक आउटसाइडर के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं। क्या आप बता सकती हैं, क्या आप बता सकती हैं कि बॉलीवुड अगर इतना ही दूध का धुला है तो सुशांत की मौत के बाद किसी ने भी अपना मुंह क्यों नहीं खोला? क्यों किसी ने भी, आपने भी सुशांत की मौत के बाद एक ट्वीट तक नहीं किया? आखिर क्यों? सुशांत आप लोग, सुशांत को आज पूरा देश जानता है। शायद हो सकता है लोग आपको ना जानते हो, लेकिन सुशांत को ना सिर्फ लोग जानते हैं बल्कि सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश एक साथ एकजुट खड़ा हुआ है। पूरे देश को पता है कि बॉलीवुड में नशे का नंगा नाच चल रहा है, पूरा देश अब जान चुका है, लेकिन आप अभी भी अपनी आंखें मूंद रही हैं। और जब लोग उस पे सवाल उठा रहे हैं, आपके बॉलीवुड के लोग उस पे सवाल उठा रहे हैं, तो आप उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, उन्हें आप थाली में छेद करने वाला कह रही हैं। आजकल के युवा लोग होंगे, जो बाहर के लोग आए हैं, ये बॉलीवुड में गंद मचा रहे हैं। बॉलीवुड ऐसा नहीं था कभी भी। अरे क्या देखें, जब आपकी पार्टी के लोग एक महिला के लिए भद्दे कमेंट्स यूज करते हैं तब तो आप मुस्कुराती रहती है, लेकिन जब लोग सबूतों के साथ बातें रखते हैं तो आप उन्हें थाली में छेद करने वाला कहती हैं। अब कैसे? अरे आप मुझे बोलने का है, आप तो अरे बुलाया क्यों है शो में, जब बोलने नहीं देना है तो कायदा उनके मुंह पर डांटती है, लेकिन जब आपकी गलती पकड़ी जा रही है, आपका कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है, मीडिया को सही झाड़ती हूं, एक शब्द नहीं निकाल रही हूं, क्योंकि बोलना ही होता है तुम लोगों को। अरे अब आपके पास बोलने के लिए है ही क्या? आप और आपके जैसा हर एक इंसान सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार है, वो जो सच नहीं बोलता और वो जो सच बोलने वालों के खिलाफ साजिश रचता है। पूरा देश सुशांत के साथ खड़ा है और आप नशेड़ियों के साथ। देखिए हर कोई जैसा नेता हर कोई चाहिए, ना आप जैसा सेलिब्रिटी। अरे पूछता है भारत आखिर क्यों सुशांत की मौत पर आप या आपके परिवार में से किसी ने एक शब्द नहीं बोला? पूछता है भारत की थाली में छेद करने वाला आपने आता है भारत, मुझे लगता है फूंकते हैं आप भी, क्योंकि जब भारत पूछता रहता है तो सुनता क्यों नहीं है भारत? अगर गेस्ट को डिबेट में बुलाया है तो गेस्ट की बात सुननी भी तो पड़ेगी, लेकिन आप तो भौ भौ करके कुत्ते की तरह भौंकना शुरू हो जाते हैं, दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। मुझे नहीं रहना इस शो में, ऐसे शो का हिस्सा मैं नहीं। अरे कहां भाग रही है आप, हमारे सवालों से बचकर नहीं जा सकती? अब पूरा देश जान चुका है महानायकों का असली चेहरा। आप कितनी भी कोशिशें कर ले, कितना भी लोगों पे गंदे कमेंट कर ले, कितना भी उन्हें थाली में छेद करने वाला कह ले, लेकिन अब पूरा भारत जान चुका है कि भारत फूंकता है और सबसे ज्यादा फूंकती है माया नगरी। मैं लड़ता रहूंगा आखिरी तक और इन जैसे हिपोक्रेट्स के चेहरे पर से नकाब हटाता रहूंगा लगातार। बीच डिबेट में भाग जाने से आपके पाप कम नहीं होंगे, जनता जान चुकी है कि आखिर सच्चाई क्या है। चलिए फिर मैं मिलता हूँ अपनी अगली डिबेट में। अगर आपको ये डिबेट्स पसंद आई है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मेरा अगला डिबेट आए आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे अगली बार।